तो दोस्तों अगर आप Redmi का कोई भी मोबाइल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि सिस्टम एप्स अपडेटर में जैसे आप वहां पे जाते हैं तो गैलरी प्लेयर सर्विस का एक नया अपडेट देखने को मिलेगा और ये दोस्तों 60 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है और इसमें काफी सारे फीचर को ऐड किए गए हैं। तो इसी के बारे में बताने वाला हूं कि ये अपडेट आपको जो देखने मिला इसमें कौन कौन सा फीचर आपको मिलेगा, कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत से यूजर को यहां पे शक हो रहा है कि ये अपडेट पहले देखने को नहीं मिला है और ये चाइनीज लैंग्वेज में नीचे में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप सेटिंग के एप्स वाले में जाते हैं देन मैनेज एप्स में जाइएगा तो आप यहां पे गैलरी प्लेयर सर्विस सर्च कीजिएगा तो उसका यूआई थोड़ा आपको चेंज देखने मिलेगा। तो आपके मोबाइल में पहले से ये एप्लीकेशन देखने को मिल रहा था पर लेटेस्ट इसका एक अपडेट आया है जिसमें आपको यूआई चेंज देखने मिल जाएगा और इसमें काफी सारे फीचर को ऐड किया गया है। तो चलिए यहां पे बात करते हैं कि इसको अपडेट कीजिएगा तो आपको कौन कौन सा फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सिस्टम एप्स अपडेटर में जाते हैं तो सिस्टम एप्स अपडेटर में जाने के बाद गैलरी प्ले सर्विस का अपडेट यहाँ पे शो हो जाएगा। 60 MB का अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ए ब्रांड न्यू इंटरफेस डेट इज सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट। तो एक नया इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, सपोर्ट फॉर ऑल वीडियो फॉर्मेट। उसके अलावा जितने भी वीडियो के फॉर्मेट होते हैं जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे वो आपको यहाँ पे सपोर्टेड देखने मिलेंगे। पावरफुल क्लासिकल फंक्शन ऑफ ईजी मैनेजमेंट ऑफ लोकल वीडियो। लोकल वीडियो को कैसे मैनेज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट एल्बम का जो वीडियो होता है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया गया है वो मैं बताऊंगा। पिक्चर इन पिक्चर फंक्शन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा और साथ में इसमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये गूगल प्ले सर्विस जो ऑप्शन है कैसे वर्क करता है, कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन सा फंक्शन इसमें यहाँ पे वर्क करता है वो टोटल मैं आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जब आपका ये अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद जैसे आप गैलरी को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो कुछ इंटरफेस आपको गैलरी में चेंज देखने मिलेंगे। डिलीट आइटम का ऑप्शन मिल जाता है, रिडंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आप यहाँ पे एल्बम को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फोल्डर देखें तो फोल्डर अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट होता है। अगर आप कैमरे से यूज कीजिएगा तो कैमरा का फोल्डर बनेगा, डाउनलोड कीजिए तो डाउनलोड का फोल्डर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फोल्डर को एडजस्ट करता है। साथ में आपको सेटिंग में काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, अगर इसमें कोई इश्यू आता है तो उसको फिक्स किया जाता है और आपके जो भी वीडियो फोटो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को ओपन करते हैं, ओपन करने बाद इसको प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ पे गैलरी प्ले सर्विस का यहाँ पे SS परमिशन मांगा जाता है जिसमें म्यूजिक है और ऑडियो का परमिशन मांगा जाता है। तो इसके थ्रू ही आपको यहाँ पे ऑडियो सुनने को मिलता है, साथ में फोटो एंड वीडियो का भी SS परमिशन मांगा जाता है। तो जो भी ऑडियो आती है वो आपको गूगल प्ले सर्विस के थ्रू ही आती है। तो गैलरी एप्लीकेशन पर आप प्ले कीजिएगा तो वो ऑप्शन देखने मिलेगा। साथ में इसकी स्पीड को भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, म्यूट करना म्यूट कर सकते हैं। तो ये टोटल फंक्शन गूगल प्ले सर्विस के द्वारा ही किया जाता है। अगर आप यहाँ पे इसको वीडियो को जूम करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे नीचे में काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। आप एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट में क्लिक करने में काफी सारे वीडियो टूल देखने मिलेंगे। यहाँ पे 4K का भी सपोर्ट देखने मिलता है, पहले सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था। अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रो मोड का ऑप्शन मिलेगा और प्रो मोड के ऑप्शन पे क्लिक करने में ऑल वीडियो का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो जब वीडियो को पूरा एक्सपोर्ट कीजिएगा तो इसमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, करप्ट नहीं करेगा, क्रैश नहीं करेगा। तो ये गूगल प्ले सर्विस के थ्रू ही आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर कोई ऐसा वीडियो या फोटो होता है जो आप ओपन करते हैं और वो फोटो वीडियो अगर आपको मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तो उस फॉर्मेट को ये सपोर्ट करवाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट वीडियो होते हैं जो आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गैलरी में जाते हैं तो गैलरी में जाने एल्बम में जाते हैं और प्राइवेट एल्बम में आप जाइएगा तो अगर आपका कोई फोटो वीडियो डिलीट हो गया है तो वो फोटो वीडियो आपको यहाँ पे फॉर्मेट में देखने मिलेगा। अगर फोन में शो हो रहा है, आपका फॉर्मेट शो हो रहा है, करप्टेड शो हो रहा है तो प्राइवेट एल्बम में जाइएगा तो वो फोटो वीडियो आपको यहाँ पे पुराना से पुराना देखने मिलेगा जो आपका यहाँ पे सपोर्ट करना चालू कर देगा। तो इस गूगल प्ले सर्विस को अपडेट कीजिएगा तो काफी सारे जो आपका यहाँ पे इशू है वो फिक्स हो जाते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर एल्बम में ऐड करना है, प्राइवेट एल्बम को जो भी फोटो ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा बता रहा है पावरफुल क्लासिक फंक्शन ऑफ इजी टू मैनेजमेंट लोकल वीडियो। अब होता क्या कि कोई भी लोकल ऐसे वीडियो होते हैं जिसको अगर आप कैमरे से यूज करते हैं, कैमरे से क्लिक करते हैं, चाहे वो फोटो हो वीडियो हो, तो उसके फंक्शन को उसके डिटेल को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये लोकल वीडियो है और अगर आप यहाँ पे डिटेल वाले सेक्शन में जाइएगा तो डिटेल वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे बताएगा किस डेट को आपने यहाँ पे वीडियो को कैप्चर किया है, कौन सा फॉर्मेट में कैप्चर किया है, कितना MB का है और साथ में किस लोकेशन में आपने यहाँ पे कैप्चर किया है, पूरा एड्रेस के साथ देखने मिलेगा और कहाँ पे सेव होता है वो देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से लोकल वीडियो को ये फंक्शन करता है। साथ में कंप्रेस वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, अगर वीडियो को कंप्रेस करना चाहते
चाहते हैं तो 4K का ऑप्शन मिलेगा, 180 PS का, 720 PS का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहां से वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहां पे प्रोटेक्ट प्राइवेट वीडियो फ्रॉम बीइंग डिलीट और सीन बाय अदर का ऑप्शन देखने मिलता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों जैसे आप गैलरी में जाते हैं, गैलरी में जाने के बाद आपने देखा होगा कि एल्बम वाले सेक्शन में जाने में जो प्राइवेट एल्बम का फोटो वीडियो होता है, उस फोटो वीडियो को अगर आप यहाँ पर डिलीट कर देते हैं तो नीचे में डिलीट वाला जो ऑप्शन मिलता है, डिलीट पर क्लिक करते तो ये वीडियो आपका यहाँ पर प्राइवेट एल्बम से डिलीट हो जाता है। पर जैसे अगर आप यहाँ से बैक होते हैं और बैक होने में नीचे में आप देखिएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट आइटम का, और डिलीट आइटम में देखिएगा जो वीडियो को आपने डिलीट किया उसमें एक प्रोटेक्शन देखने मिलेगा, एक लॉक देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से प्राइवेट वीडियो को प्रोटेक्ट करता है, ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। और इस पर पासवर्ड डाल के अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं और ये आपका एल्बम में देखने मिलेगा। फिर से आप प्राइवेट एल्बम में जाइएगा तो वो वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर फंक्शन का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसको ओपन को अगर आप यहाँ पे रिसेंट में जाते हैं, टैप करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन पिक्चर का देखने मिलेगा या फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप होम स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, बाकी दूसरा एप्लीकेशन को अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे रिसेंट में जाइएगा और रिसेंट में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो पहला यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो था वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से गैलरी प्ले सर्विस यहाँ पे वर्क करता है। और जैसे आप दूसरा कोई वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हैं। दोनों वीडियो को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है, पोर्टल फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं PIP मोड में, पिक्चर इन पिक्चर मोड में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये गूगल प्ले सर्विस यहाँ पे वर्क करता है, जिसमें आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गूगल प्ले सर्विस में एंड्रॉइड मोबाइल के काफ़ी सारे आपको एडवांस फीचर देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई वीडियो को प्ले करते हैं और आप चाहते हैं कि जितना जूम करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं जितना आप यहाँ पे जूम कीजिएगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये गूगल प्ले सर्विस के थ्रू ही आप इसको यूज़ कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं, आपने अपडेट नहीं किया है तो आप इसको जाके अपडेट कर ले।